जुआ नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर ओडिशा ने ओमिक्रॉन रो एंट्री राज्य ने चिन्हट ले दुई आक्रांत आक्रांत व्यक्ति जगतसिंहपुर आर कटक रहितबार सूचना राज्य सरकार डखाले उच्चस्तरीय बैठक स्टील सिटी राउरकेला ने छातीथरा घटना टिके झामेलानु ब्लेड ने जवान कर बेक काटले मृत युवक बरमुंडा अंचल रो पिंटू श्रीवास्तव आघर दुश्मनी लगीर हत्या संदेह समलपुर पर्ध्यापाली गुटका फैक्ट्री फाटवा घटना पुलिस साइंटिफिक टीम इलेक्ट्रिक और अग्निशम विभाग घटना जगह छानबीन कारखाना मालिक और अन्य कर्मचारी ने मामला रुजु बदलीबार नहीं चाषीों भाग्य बच्चर बच्चर है पिछा नहीं छेड़बार मंडी समस्या खुला आकाश तले पड़े क्विंटाल क्विंटाल बस्ता धान पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न जिले ने चाषीर दुख आरु समलपुर आरटीओ कार्यालय नु तीन दलाल गिरफ जल्दी काम करदेमु कहीकि लोकं ठकुले 22टा लर्नर लाइसेंस परिचय पत्र आर 1930 टा जबत कला धनुपाली पुलिस आयमा पूरा खबर के ओडिशा ने ओमिक्रॉन रो एंट्री राज्य ने दुई ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट हेइचन आक्रांत कर भितरे जणे नाइजेरिया फिरिथिबार बिलके आर जणे कतार नु फिरिचन आक्रांत कर घर जगतसिंहपुर हेइथिबार जना पडिचे जगतसिंहपुर ने थिबार आक्रांत कटक ने चिकित्सित होउचन जगतसिंहपुर संक्रमित कटक ने चिकित्सा होउतबार बिलके दुई जन आक्रांत जणकर बयस 41 आर जणकर बयस 43 रहिचे जणे नाइजेरिया आर जणे कतार नु फिरिचन बोलिकिना आईएलएस आडू सूचना मिलिचे जदि दुई जणक लक्षण नै देखा गले भी दुई जण एबे भल अछन आयबार 10 दिन भितरे सेमाने डिस्चार्ज हेबे अश्विनी कोविड हॉस्पिटल ने सेमानकर चिकित्सा चालीचे सेमानकर कांटेक्ट रे आसीथिबा साजनकर रिपोर्ट नेगेटिव आइचे दुई जन आफ्रिकीय देश नु फिरिथिले कटक ने 14 जनक नमूना जीनोम सिक्वेंसी लागिर पठा जाइथिला से भितरे दुई जनक रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिबार सूचना दिचन कटक नोडल ऑफिसर डाक्टर उमेश राय सियाडे जे डरला बागिर किछि कथा नैन जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र ई बाबद ने प्रतिक्रिया दिचन राइज ने दुई ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट बाउतरु सरकार कर उच्चस्तरीय बैठक डखा जाइचे नवेम्बर 21 तारीख परठारु जेते इंटरनेशनल ट्रैवलर आसीथिले तांको हम सर्विलांस भितर रखिथिलु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन अनुसार आम तांको सर्विलांस भितर रखिथिलु सेथरु आपन जानिछन जोडी कैटेगरी लोक गोटे हूँ आट रिस्क कंट्री जो नॉट आट रिस्क कंट्रीज ए भितर हाराहारी आम 8800 रु अधिका टोटल पैसेंजर आसीथिले जो थरे आट रिस्क कंट्रीर संख्या 1600 पाखापाखि आम से जो आरटीपीसीआर टेस्ट करूँ वर्तमान सुधा 12 जन आरटीपीसीआर पॉजिटिव ता भितर होती आरटीपीसीआर नॉर्मल आरटीपीसीआर पॉजिटिव होती से भितर आम तर होल जीनोम सिक्वेन्स भी पठाई था आम प्रथम पर्यायर कही प्रथम चारजर ओमिक्रॉन बाहरी नथिला आज जो ता जो पठाई था सांपल से दुई जन ओमिक्रॉन पॉजिटिव जमापड़ी आप जानते भारत में बर्तमान 12टा स्टेट रे ओमिक्रॉन रो प्रेजेंस थिला आमर दुईपटे तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बेंगल ओमिक्रॉन प्रेजेंस थिला तेणु आम स्टेट रे दुई जन ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली जणे नाइजेरिया रु आसते जन कतार बोथ हूँ नॉन एट रिस्क कंट्री तेणु जेहेतु आम नॉन एट रिस्क कंट्री लोक सर्वेलांस भर रखीलु टेस्ट करूँ तेनाली पॉजिटिव मिली से कंटाक्ट ट्रेसिंग हाराहारी प्रथम लोकंर प्राय 11 जन द्वितीय लोक 10 जन कंटाक्ट ट्रेसिंग नेक्स्ट पदक्षेप उभय जेहेतु लक्षण बहुत माइल्ड अच्छी जनकर लक्षण ना जड़े साधारण टी काश हो आतंकित अवस्था नहांती अवस्था भल अच्छी एपर्यंत ओडिशारु आम जो होल जीनोम सिक्वेंसिंग जाइए आम नाइजेरिया जड़े आसते आउ जे जगत सिंहपुर जाते से दिजन जो पॉजिटिव आसिले ओमिक्रॉन पाई तांकु आम आम कटक जिले रे जो नाइजेरिया रु जो लोक भद्र लोक आसिले तांकु आमे अश्विनी रे रखिछु तांकर कोनोसी सिम्पटम नाही आउ आमे स्टेट रो इंस्ट्रक्शन अनुसार आमको जहाँ लगुच 10 दिन भितर तांकु डिस्चार्ज कर दउ सर आउ जने जो कथा कोआ जाउछ जे कटक रो आउ जने मते चिन्हट सब से व्यक्तिकर कोन चीज जणा पडुछ को टीसी बटन चिकित्सित होउछ नै कटक रो नो से एक्चुअली जगतसिंहपुर रो
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯୁବକଙ୍କର ମର୍ଡର କରିଛନ୍, ବେକେ ବ୍ଲେଡ୍ରେ କାଟିକିନା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେକ୍ଟର 21 ନୂଆବଜାର ସମିଲ ଛକ ପାଖେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକ ଯୁବକ ହେଲେ ବଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ପିଣ୍ଟୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗ୍ରହର ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକିନା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। मेरा आदमी छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ के चले गया। हम यहाँ पर गरीब इंसान बहुत झेल रहे हैं, लेकिन अब बच्चा एक ठो मेरा बेटा का हाथ कट गया ट्रेन से, उसमें झेले। अब ये मेरा बेटा को छीन लिया तो हम बताइए अब हम खाएंगे क्या। बड़ा वाला लड़का हो पेंट गाड़ी पेंट उंट करता है, मेरा बहू है, इसका डिलीवरी होने वाला है, अब बताइए हम क्या करेंगे। इसका तीन ठो बच्चा घर में छोड़ के आए हैं, अब क्या करेगा। जैसे मेरा बेटा को जान लिया है वैसे उसको भी जान लेंगे हम, बस उसको फांसी लगाइए, फांसी लगा दीजिए। जैसे हम तड़प रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं वैसे उसका मां गिड़गिड़ा है। समलपुर पर्ध्यापाली गुटका फैक्ट्री विस्फोरण घटना मालिक को विरोध रे एक्शन हेबा कि नहीं। समलपुर पर्ध्यापाली थाने गला केते बच्चर हेबा बेआईन हिसाब ई कारखाना चालुचे। ଗଲାକାଲି କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଲାଗି 50 ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ବେଳେ 26 ଜଣକେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍। 11 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହେବାନୁ ରାଉରକେଲା IGH ନେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାନୁ ଦିଲ୍ଲୀ ARK ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାକେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବା ଉପରେ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟିମ୍ ଆର୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିକିନା ଛାନ୍ବିନ୍ କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଅଠାପାଲି ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାରଖାନା ମାଲିକ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେ ଆର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକିନା 4 ଦଫା ଲଗେଇଛେ। ସରକାର ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ବେନ୍ କରିଥିଲେ ବିଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ତା କିଛି ଜାଣିନି ପାରିଲା ସେ ବାବଦନେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। କାରଖାନାରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନେଇଥିଲେ ବି ଏ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା। କାରଖାନାକେ କେଁ ଯେ ଏତେ ଦୟା ଦେଖାଉଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ବୋଲିକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛେ। क्या बताएं, अचानक हो गया, क्या बताएं, क्या हादसा हुआ, क्या फटा अभी ये नहीं मालूम, अभी ये भी नहीं मालूम फटा क्या है, अभी ये तक नहीं पता हुआ कि फटा क्या है। मेरे सर में टोपी लगाए, टोपी जल गई पूरी, बाल हमारे बच गए, बारह जल जाते, टोपी लगाए, टोपी टोपी भर मेली के जली है बस, और बाकी ये हाथ में लगा है और कहीं लगा है। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏହାପରେ ତାମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପୁଣି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 3 ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍। ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛେ ଧନୁପାଲି ପୁଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଧନୁପାଲିର ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ, ନକ୍ସାପାଲିର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ବେହେରା ଆର୍ ମାନୁ କୁମାର ବେହେରା। ପୁଲିସ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 22 ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆର୍ 1930 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛେ। ଏମାନେ ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରାଇଦେମୁ କହିକି ଠକୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡି ଖୁଲିଛେ ସତ୍, ହେଲେ ଉଠି ନେଇ ପାରବାର ଧାନ। ଆର୍ କେତେ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ଖୁଲବାନୁ ଧାନ ଧରିକି ଜଗି ବସିଛେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ମଣ୍ଡି ନୁ ଉଠି ନେଇ ପାରବାର ଧାନ। ଆର୍ କେତେ ହୀନସ୍ଥା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କର କାନେ ପଡ଼ବା। ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନେଇଥିବାର ବେଳକେ ତାଙ୍କର କର୍ଜା କେନ୍ତା ଶୁଝିବେ ସେ ଚିନ୍ତାନେ ଚାଷୀମାନେ। ବଦଲିବାର ନାହିଁ ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ।
बच्चर बच्चर हेला पीछा नहीं छड़बार मंडी समस्या खुला आकाश तले पड़ी रही छे क्विंटल क्विंटल बस्ता धान पश्चिम ओडिशार भिन भिन जिला ने चासीर दुख कलाहांडी जिलार गोलामुंडा ब्लॉक चापरिया ब्याक्स अधीन ने थिबार फलियापाली मंडी खुली की 8 दिन हेला हेले चासीर गुटे भी बस्ता धान उठी नै पाल्ला धान घिना लागि जिला प्रशासन 3टा मिलर्स के कामे लगैथिले हेले मिलर्स एजेंट कर कटनी छटनी लागि 2000 नो अटका क्विंटल धान मंडी ने पड़ी रही थी बार चासी माने कहिचन सारे मिलर्स माने धान उठाबार लागि गाड़ी भी नहीं आनी गोलामुंडा ब्लॉक रो सबु मंडी जूनागढ़ आरएनसी अधीन ने आईसी आर चापरिया पैक्स अधीन ने 657 जन चासी पंजीकृत करथिले किंतु एते कटनी छटनी भितरे आमे केंती अमर धान बिकि देमो बोली कहिचन चासी माने मिलर मैंने आसले आर से 5 किलो खुशी ने देमु चाषी वाला के से 10 किलो 15 किलो चाहूचन आर नेले आम धान कटनी छटनी आमर जेन जार संगे जनता करमु आर तार संगे बुझामणा हई धान उठाऊ बोल के से चली छे आर से आज घर पर देखा दर्शन नहीं आम शीत ने सुई करी 8 दिन होगा ना धान नहीं उठाबार से जेन मैंने आसुचन तर मनमुखी 10-12 एंता काटमु बोल कर से कहार आम धान नहीं देवार 5 के जी देवार लगे सब चाषी मैंने स्वीकार कर लगे नाराज है लेकिन हमें 8 दिन है ना आज के चाषी मंडी में सही कर सब धान के रख कि तार विचार नहीं करा कर गाड़ी लेके किसी नहीं किए भी नवार नहीं बाकी से 15 किलो 10 किलो कटनी कर 5 किलो देवा लगे राजी आर ए पर्यंत भी नवार नहीं सेंता बलांगीर ने भी समान अवस्था नवेम्बर 29 तारीख नु जिला सबु मंडी ने धान किना हेबा बोली बीएलपीसी मीटिंग ने निष्पत्ति हेतिला हेले 20 दिन उपरे हेलान मंडी नै खुलबार जिल्लार प्राय मंडी ने ताला झुलुचे जेंथिर लागि जिल्ला जोगान अधिकारी आर जिल्लापालक ठने फेरा दिचन दुईसिंगा ब्लॉक बादीमुंडा प्राथमिक कृषि समवाय समितिर चासी माने साडे कटनी छटनी मूलचाल नै छिड़बार लागि मंडी नो धान उठि नै परबार मंडी खुलबाने भी देरी होउचे सेथिर लागि बाध्य होई कि कम दाम थी साहूकार पाखे बिकुचु बोली कहउचन चासी माने जोने चासी को धान आनबार ले कहते से चासी धान लेकर भी देते ट्रैक्टर माध्यम भड़ा कर लेबर फेबर लगे धान लोड भी करते सेन नड़ियाटे आने सेक्रेटरी महोदय पिटीदे आसिक बोले आज तुम धान नहीं रखा जाए तुम्हें निज घर के नहीं जाओ गत वर्ष भी आम टोकन बहुत चाषी को टोकन कटिजी तो से टोकन कटवार भय आम भी अच्छे तो जदि आम तरुआ जो कौन प्रकार पदक्षेप नहीं नमु चाषी मैंने आम किसी करमु पूर्व वर्ष भाई आम वर्ष भी टोकन कटिजा से लगे आम कलेक्टर के द्वारस्थ हो जेकर सेठाने जेते बेले धान निया गला सेन मंडी डाकी देले धान आनी करी आसुन बोले तापर जेते बेले धान निया हला सेन सुनबार के मिलला जे से गां रो लोग केते जण अपोज करले जे न धान मंडी रे बिक्री करिनि दो बोली करी जार फल रे सेमने फेर फेरे देले हमकु असेसो आय भेटनु से बोले एआरसीएस के भेट जेकर भेटुन से इरा कर देबे बोले एडा धान मंडीटा बंद रही छि हमटा धान मंडी रे देबार लागि इरा आइछिलु एबे एमा समलपुर कुचिन डाके कुचिंडा उपखंड ने डिसेंबर 1 नु मूल हेचे धान किना प्रक्रिया हेले एबे तो कुटे मंडी ने हजार हजार बस्ता धान पड़ी रही छे जमनकिरा धान मंडी ने 100 जन चासी कर पाका पाकी 10,000 बस्ता धान नाई उठवार लगी चासी माने धान बस्ता आ ट्रैक्टर रखी की 53 नंबर जातीय राजपथ जाम करथिले केनो मंडी खुली छे तो केनो नाई खुलबार आर जेनो खुली छे क्विंटल क्विंटल बस्ता धान धरी की जगी बसी चासी हेले अव्यवस्था लागिर मंडी नु उठि नै परबार धान आर केते हिनस्था हेले चासी को दुख सुनबे सरकार जूनागढ़ नु कुमार मणिदुर्गा बलांगीर नु तरुण साहू आर संबलपुर नु कुचिंडा नु सौम्य रंजन धल के रिपोर्ट अर्गस न्यूज सियाड़े समलपुर रेड़ाखोल ने कदलीगढ़ धान मंडी ने उत्तेजना देखा मिली थिला जिला बाहर गाड़ी रे धान आनी किना मंडी ने बिक्री करवार बिल के चासी माने विरोध करथिले धान बोझ ट्रक के जबत कला जोगान विभाग दलाल आर चासी कर भितरे उत्तेजना देखा जीवानु मंडी ने पुलिस बिल मुतयन हेतिले डिसेंबर 8 नु रेड़ाखोल उपखंड ने धान मंडी खुली थिबार बिल के मंडी किना दायित्व आदिशक्ति महिला संघ के दिया जाइथिला किंतु ई अंचल ने मंडी संगे अदिनिया वर्षा थिला जहाँ लगी धान सबू नष्ट हो जाइला एवं सरकारी स्तर ने व्यवस्था अनुजाई चाषी को क्षतिपूरण देवार दाबी ने दधिमामन कृषक संगठन आड़ मंडी खुलवा दिन ठानु एवं तक दलाल मुक्त मंडी सांगे धान किना बिका बंद रखिचन चाषी मैने आज्ञा आम मूल रू बतेलु जे आम चाष जेहेतु नाई आदो चाष धान नाई
ଆମେ ସରକାରକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାବିକା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହଉ ସେମାନେ ଆଜି ଦଲାଲମାନେ ଆଣିକି ଧାନ ବିକିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍। ସେଇଥିଲାଗି ବିଶେଷ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ଏଠାରେ ଖୋଲିକି ନାଇଁ ରହୁ, ଆମ ଚାଷୀ କାମଧାମ କେତେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ଲସ୍ ସିନା ହେଲା ପନିପରିବା ଘରେ ଚାଷ କରିବୁ କି ଆଜ୍ଞା ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଗିକି ନା ଧାନ ଦଲାଲକୁ ଜଗିବୁ, ଆମେ ଦଲାଲ ଜଗବା ଲାଗି ନାରାଜ। ସେଇଥିଲାଗି ସରକାରକୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ଅଫିସରେ ବସୁନ୍, ଧାନ ଆଦୌ ଏଇ ମଣ୍ଡିରୁ ଘେନାଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଧାନ ଘେନାଯିବ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ହେଇନି ସେମାନେ ଘେନିଲେ କେମିତି, ଯଦି ବି ଘେନବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନା କଦଳୀଗଡ଼ ପାର୍କସରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଧାନମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ କଦଳୀଗଡ଼ ପାର୍କସରେ ବସିନା ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 8 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। ତାପରେ ସେତିକି ଦିନ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସି ମଣ୍ଡିରେ ବସୁଥିଲୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଖରିନେ ନିଆଁ ଲାଗବାନୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚୁଲିଫୁଙ୍କା ଗାଁର ଚାଷୀ ନୃପତି ବେହେରାଙ୍କର ଧାନ ଖରିନେ କେନ୍ସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ଧାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ସେନ ଲୋକମାନେ ଦମକଲ ବାହିନୀକେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଦମକଲ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିକିନା ନିଆଁକେ ଲିଭାବାର ସାଙ୍ଗେ ଅତକା ଧାନ ପୋଡ଼ିକିନା ପାଉଁସ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣା ଜାଗାନେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ଗୁଣମଣି ସୁନାନୀ ସେନର RI ପହଞ୍ଚିକିନା ଅତକା ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛନ୍। ସକାଳୁ ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ନୁ ଆଜି ସରିଯାଇଥିଲା କିରଣ ହେଲା ଅକସ୍ମାତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଧାନ ମୋର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, କେତେ ଗଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରିବାରକେ କେନ୍ତା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିମି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇ ପାର୍ବା, କିଛି ତ ଖାଇବା ଲିଆର ନେଇ ମିଲି କାଣା କରିବି, ମୁଇଁ ବି ମୋ ପରିବାର କେନ୍ତା ପୋଷମି, ମୁଇଁ ବି ନିଜେ କିଛି ଅନୁତାପ କରି ନେଇ ପାର୍ବା କାଣା କରିମି, ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ମୋ ପରିବାରକେ ଚଲେଇପାରିବି ବୋଲି ମୁଇଁ ସରକାର ଉପରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛେ। ଦେବଗଡ଼ କଂସର ଲଇଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଘଟନ, ଜହ ଶୀତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳକେ ଜଲିଗଲେ ବୃଦ୍ଧା, ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳକେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଲାଗି 60 ବର୍ଷୀୟ ରବିବାରୀ କୋର ପୋଡ଼ି ହେଇକିନା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିନା ତିଲେଇବଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେନ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ଇନିକି ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ମଲାଧିକେ ବିବଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ପଠାଯାଇଛେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଆଜ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବ୍ଜେଲ୍ରେ ଥିବାର ମୁଖିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଜାମିନ ଆବେଦନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ADJ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛେ। ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ଓକିଲ। ଆଜ 4:30 ବେଳକେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ବୋଲିକିନା ସୂଚନା ଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଓକିଲ ମୋହନଲାଲ ଶର୍ମା ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ କାନନ କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଇଟା ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛେ ଆର୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତନୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା, ତାର ବେଲ୍ ଖାରଜ କରିବାକେ ସେ କୋର୍ଟକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି କନଫରେନ୍ସ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ସେ ସିଜର ଲିଷ୍ଟ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସିଡ଼ି ତାମାନେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ କଭର୍ରେ ରହୁ, ସିଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି ବୋଲିକି ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଆଲାଉ କଲେ ଆଉ ସେଇଟା ସିଲ୍ କଭର୍ରେ ରହିବ। ଆଉ ଏବେ ବି ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ସାହେବ ଯେଉଁଟା ଫେରିବେ ସେଇଟା ବି ତଳି କୋର୍ଟରେ ସେଇଟା ସିଲ୍ କଭର୍ ହୋଇକରି ରହିବ, କେହି ସେଟାକୁ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ନେଇକରି 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଦିନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ତା ସହିତ ଦେଖିନୁ। ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୱେଷଣଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ନ ଛଡ଼ାଯାଉ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିକିନା ପଇସା ନେଇ ମିଳିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଜୁଏସାଇପାଟନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରମିକମାନେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିକିନା ନିଜର ପଇସା ନେଇ ପାଇବାର, ସେଥିଲାଗି ସେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ପଇସା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିନା ଦାବି କରିଛନ୍।
आउ प्रत्येक गाँव रज्ञा यहाँ आमर आछन जिक्सापाटना खेरलागुड़ा हरडागुड़ा तापर मनस्का तापर पंचकोल टिट्टी झोला सब लोग आज्ञा आम मैंने बहुत परिश्रम काम करूँ बुझे कि नहीं आमको पैसा पड़बार ना यार मिलबार ना चार मस है काम करीपर आज्ञा है तो आम जीआरएस के कही देखलू ना बहुत गुहार भी कर देखलू ना तापर आम कथ बिल्कुल सुनबार ना प्रशासन के सुनबार ना आज्ञा बुझे डॉक्यूमेंट आम जेनटा डिमांड फर्म अच्छे ना कि डॉक्यूमेंट फर्म दस्खत करूँ आज्ञा से फोन भी उठेबार ना आज्ञा आम क्या पैसा केवे मिलवा बोले भी आम हूँ ना कर ना देखे कर कितनी बुलुन आम देखार ना जीआरएस के आम पैसा आमको मिलू सुवर्णपुर जिला सदर ब्लॉक बैद्यनाथ नु गबजोर तेल नदी सेतु बनाबार ने डेरी लगे जिलापाल कार्यालय आगे धारणा देचन लोक माने बैद्यनाथ नु गां पाखे बनाई थबार सेतु एप्रोच काम एबे तक हे नि पाला एप्रोच रोड जाउतबा लोकंकर जमी अधिग्रहण बिल हे नि पारुचे ठीक क्षतिपूरण देई कि जमी अधिग्रहण करबा संगे जल्दी रास्ता बनाबा लागि दाबी करिचन गां लुके विभागीय अधिकारी को जमी अधिग्रहण लगी क्षतिपूरण दावी करी ठीक क्षतिपूरण देवार संगे ये गाँव ने बहुत दिन है अशांति लगि रही एवं गाँव लोक मैंने ठीक क्षतिपूरण दे कि जल्दी रास्ता बनावाके दावी करीचन आर से जिलापाल द्वारस्थ भिलेन जिलापाल कार्यालय आगे विक्षोभ करवा संगे जिलापाल गोटे दाबी पत्र दाबी पूरण हेले आबार दिन राजरास्ता के उल्लाबे बोलिकिना चेतावनी देचन आज सोनपुर जिलापाल पाक आसचु आमर बैद्यनाथ टू गबजोर जेन ब्रिज होचे गबजोर साइड रो आप्रोच रास्ता लगे आम आसचु आर दुईजण जमी किणा हो जितकी 13-14 लोकर जमी ना किणबार ताल बोले आमर सोनपुर आरडी डिपार्टमेंट किणुचे जगह बोले सेटा देचे 60,000 डिसमिल को 60,000 हिसाब से भैल्युएसन से किणीचे आर जहाँ बाकी अच्छन सब कहके 2,000 कहके 3,000 कहके 5,000 एंता हिसाब रे से कहूचे आमे नाई बोली कहूचु आर तार हिसाब रे देले आमे जगह छाड़वाले खुशी रे छाड़मु जगह आज्ञा 75% है जे 25% नाई हेबार ताल बोले आहुरी ताकू लागि जीवा 3-4 मास पूरा कम्प्लीट हेला बेलके बोले सेथि लागि आमे भी ताकू अनुरोध करी कहूचु जे आमर ब्रिज जल्दी कम्प्लीट करन आर जमी अधिग्रहण करन बोलिके आमे भी बहुत आमर आज्ञा बैद्यनाथ गबजोर सेतु शीघ्र निर्माण करा जाऊ आर चाषी मानकु तांकर उचित मूल्य रे जमीर कंपेनसेशन दिया जाऊ आर शीघ्र ब्रिजटा कंप्लीट हो इटा हला आमर दाबी। सुवर्णपुर जिल्लार 57 नंबर राजपथ ने थिबा टोल गेट ने सुवर्णपुर रो जत्ते गाड़ी मोटर नु पैसा नाइ नेबा के दाबी करा जाय छे इनी की राय युव कांग्रेस सभापति स्मृति रंजन लेकांक नेतृत्व ने जिल्ला युव कांग्रेस आड़ू जिलापाल को गोटे दाबी पत्र दिया जाइथिला जिल्ला के बोईमातृक मनोभाव देखाबा लागि गाड़ी मोटर नु जोर जबरदस्त टोल टैक्स निया जाउछे बलांगीर जिलावासी को छाड़ कर बिल्के सुवर्णपुर जिला ने गाड़ी मालिकों ठानु कहीं जे टैक्स निया जाउछे बोलिकिना सेमाने प्रश्न करिछन कांग्रेस ने आईबा 15 दिन भितरे इटर समाधान नहीं हेले राजरास्ता के उल्लाबा बोलिकिना सेमाने चेतावनी दीचन देखु सुवर्णपुर जिला को जोभली भाव गोटे वैमातृक मनोभाव देखा जातीय नंबर 57 नंबर जातीय राजपथ में सुवर्णपुर जिला को टिकस छाड़ करने दाबी रही है ओडिशा प्रदेश युव कांग्रेस पक्षर जिला युव कांग्रेस सुवर्णपुर जिला युव कांग्रेस पक्षर समस्त सम्मानीय नेता मैंने वरिष्ठ नेतृमंडली अच्छा आसिक जिलापा अफिश आगे प्रतिवाद कलु और दाबीपत्र उपस्थापना है जदि 15 दिन मध्य सुवर्णपुर जिलार जो गाड़ी गुड़िक अच्छी टिकस छाड़ न कराए राजपथ 57 नंबर राजपथ 15 दिन भितर जो समस्या समाधान न हुए रास्तारोक कर राजपथ लड़ाई होव कांग्रेस पक्ष को लड़ाई को जोरदार कर सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर ने भीमबोई भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर अनुष्ठित सेनर विजु पटनायक कल्याण मंडप ठानु जिला सामाजिक सुरक्षा आर भिन्नक्षम सशस्त्रीकरण विभाग ओडिशा सरकार आर राजगांगपुर पौरपालिका नु सहयोग ने इ कार्यक्रम अनुष्ठित होता इ कार्यक्रम के ब्लॉक अध्यक्ष बसंत टप उद्घाटन करते शिविर ने भिन्न भिन्न शारीरिक अक्षमता थिबा लुकमान को अभिज्ञ डाक्तर द्वारा परीक्षा कर परीक्षा कर सबु दिव्यांग व्यक्ति मान के ऑनलाइन माध्यम ने प्रमाणपत्र दिजार व्यवस्था कर नुआखाई एक्सप्रेस के इन रखमा रोचे जुआर।